वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हमारा केस फाइव मेथड और उसके ऊपर एक सम लिया था हमने। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो रेफर नहीं किया तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में हम करेंगे केस फाइव के ऊपर हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो सम सॉल्व करने से पहले हम एक बार प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो अगर हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई रेस टू ए एक्स इंटू वी, ये फॉर्म में जहाँ पे वी हमारा एनी फंक्शन ऑफ एक्स होगा, इधर वो एक्स लॉग एक्स होगा, साइन एक्स होगा, कॉस एक्स होगा। तो हमें सॉल्व करने गए, तो अब ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में कैसे रखने गए, तो ई रेस टू एक्स आपको ब्रैकेट में बाहर रखने गए, राइट। और हर डी के जगह पे हमें डी प्लस ए सब्स्टिट्यूट करने गए और उसको वी के साथ ऑपरेट करने गए, तो होगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर, राइट। तो उसके ऊपर करेंगे एक सम जिससे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो अब हमें बोला है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने दिया है डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन थ्री एक्स, राइट। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान में क्या रखने का है कि ये प्रॉपर्टी तभी अप्लाई होगी जब ई रेस टू एक्स के साथ हमें एक एक्स का फंक्शन हो, राइट। तो अभी हमारे सम में यहाँ पे एक्स का फंक्शन है लेकिन ई रेस टू ए एक्स ये टर्म नहीं है, राइट। तो हम उसे जनरेट करेंगे, तो उसे जनरेट करने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमें पता है ई रेस टू आई थीटा को हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसे रिप्रेजेंट करते, राइट। जहां पे साइन थीटा इमेजिनरी टर्म होता है ई रेस टू आई थीटा का, राइट। तो इन द सेम वे अगर हमारे पास होगा ई रेस टू आई थ्री एक्स, राइट, तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिखेंगे कॉस थ्री एक्स प्लस आई साइन थ्री एक्स, राइट। जहां पे साइन थ्री एक्स इमेजिनरी टर्म है किसका, ई रेस टू आई थ्री एक्स का, राइट। तो अब हम ये साइन थ्री एक्स को रिप्लेस करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थ्री एक्स, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज यहां पे मल्टीप्लाई होगा, राइट। और ये इसका एल एच एस एज इट इज, राइट। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना पड़ता है। तो उसके लिए ये टर्म मतलब एफ ऑफ डी इक्वेट टू जीरो करते, तो एफ ऑफ डी इक्वेट टू जीरो, तो यहाँ से हम इसके रूट्स निकालेंगे डी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो डी इक्वल टू प्लस और माइनस वन, राइट। तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा सी वन ई रेस टू एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स, राइट। तो अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमें वन अपॉन एफ ऑफ डी, राइट, लेकिन हमारा एफ ऑफ डी क्या है यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस वन इंटू क्यू, राइट। तो क्यू क्या है हमारा यहाँ पे ये फंक्शन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थ्री एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो हमें सिंपली क्या करने का, ये जो इमेजिनरी पार्ट हमने लिखा है ये इमेजिनरी टर्म को हमें आउटसाइड द ब्रैकेट लिखने का है, और ये अंदर ई रेस टू आई थ्री एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो अभी हमें वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई रेस टू ए एक्स इंटू वी ये फॉर्मूला मिला, तो अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या करने का, सिंपली जो एक्स के साथ जो फंक्शन है मतलब आई थ्री उसे हमें ब्रैकेट के बाहर रखने का है, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसे हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, तो ई रेस टू आई थ्री एक्स, और ब्रैकेट के अंदर हमें वन अपॉन हर डी के जगह पे डी प्लस ए सब्स्टिट्यूट करने का है और उसे वी के साथ ऑपरेट करने का है, राइट। तो हमारा यहाँ पे वी है एक्स स्क्वायर, ये हमारा वी है, राइट। तो उसे हम लिखेंगे हर डी के जगह पे हमें डी प्लस ए सब्स्टिट्यूट करने का है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे थ्री आए, तो डी प्लस थ्री आए द होल स्क्वायर माइनस वन, और ऑपरेटिंग ऑन वी, राइट। तो वी का टर्म है यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थ्री एक्स, अब हम ये होल स्क्वायर का ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे डी स्क्वायर प्लस सिक्स आई डी प्लस थ्री आई का स्क्वायर, राइट। तो थ्री आई का स्क्वायर कितना होगा माइनस नाइन, और ये माइनस नाइन और माइनस वन होगा माइनस टेन, राइट। और ये ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर, राइट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थ्री एक्स,
अब हमने देखा था पिछले वीडियो में, अगर हमारे पास होगा वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू अल्जेब्रिक फंक्शन, राइट, तो हमें सिंपली वो टर्म वन अपॉन एफ ऑफ डी को वन प्लस एफ ऑफ डी रेस टू माइनस वन और वन माइनस एफ ऑफ डी रेस टू माइनस वन ये फॉर्म में हमको लाने का है, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ भी करके यहाँ पे वन जनरेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये माइनस टेन जो टर्म है उसे हम आउटसाइड द ब्रैकेट लिखेंगे, राइट, और हमें मिलेगा वन अपॉन वन प्लस डी इंटू डी प्लस सिक्स आई अपॉन माइनस टेन इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थ्री एक्स अपॉन माइनस टेन, अब ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो हमें मिलेगा वन, ये माइनस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, डी इंटू डी प्लस सिक्स आई अपॉन टेन और ये रेस टू माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। तो अभी यहाँ पे हम वन माइनस एफ ऑफ डी रेस टू माइनस वन इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, तो हमें पता है वन माइनस एफ ऑफ डी रेस टू माइनस वन होगा, तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है वन प्लस एफ ऑफ डी प्लस एफ ऑफ डी का स्क्वायर अप टू एफ ऑफ डी रेस टू एन, राइट। तो इसे हम वहां तक भी एक्सपांड करेंगे जितना इसका मैक्सिमम डिग्री हो, तो इसका मैक्सिमम डिग्री इतना टू, इधर टू ही है, तो हमें सिर्फ डी स्क्वायर के टर्म पे तभी इसको इवेल्यूएट करने का है, मतलब यहाँ तक एफ ऑफ डी का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थ्री एक्स अपॉन माइनस टेन, तो ये हमारा पूरा एफ ऑफ डी है, तो वन प्लस एफ ऑफ डी प्लस एफ ऑफ डी का स्क्वायर, राइट, तो डी इंटू डी स्क्वायर इंटू डी प्लस सिक्स आई द होल स्क्वायर अपॉन हंड्रेड और ये बाहर मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर, राइट। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेस टू आई थ्री एक्स अपॉन माइनस टेन, अब ये ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले हम एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर का अभी फर्स्ट डेरिवेटिव जब ले गए तो उसका आंसर होगा टू एक्स और जब इसका सेकेंड डेरिवेटिव ले गए तो इसका आंसर होगा टू, राइट। तो अब हमें सिंपली क्या करने का है, हर डी के जगह पे हमें टू एक्स सब्स्टिट्यूट करने का है और हर डी स्क्वायर के जगह पे हमें टू सब्स्टिट्यूट करने का है, तो हमें वो आंसर मिल जाएगा, राइट। तो अभी ये एक्स स्क्वायर है, तो इसे हम पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करके लेते हैं, तो डी इंटू डी डी स्क्वायर अपॉन में टेन प्लस सिक्स आई अपॉन डी इंटू डी प्लस, अभी हमें ये टर्म में वही टर्म कंसिडर करना है जिसमें डी स्क्वायर हो, राइट। तो अब अगर हमने डी प्लस सिक्स आई का स्क्वायर इसे हम सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व आई डी माइनस थर्टी सिक्स, राइट। तो उसके साथ ये डी स्क्वायर बाहर का मल्टीप्लीकेशन में, तो हमें डी डी रेस टू फोर और डी क्यूब के टर्म मिलेंगे, वो हमें निगलेक्ट करने गए क्योंकि एक्स स्क्वायर का फोर्थ डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव हमें जीरो मिलने वाला है, तो सिर्फ हम ये लास्ट का टर्म कंसिडर करेंगे, तो हमें मिलेगा माइनस थर्टी सिक्स अपॉन हंड्रेड और ये बाहर मल्टीप्लीकेशन में डी स्क्वायर और ये मल्टीप्लीकेशन में एक्स स्क्वायर, राइट। तो हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई रेज टू आई थ्री एक्स अपॉन माइनस टेन, अब ये एक्स स्क्वायर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साइड बाय साइड डी स्क्वायर और डी के वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के जगह पे हमें टू सब्स्टिट्यूट करने गए, तो टू बाय टेन प्लस सिक्स आई बाय टेन इंटू डी, राइट। तो डी की वैल्यू हमें हमारे पास है टू एक्स और ये माइनस थर्टी सिक्स बाय हंड्रेड इंटू डी स्क्वायर, राइट। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है टू, तो हमें सिंपली ये इवेल्यूएट करने गए, तो हमें मिलेगा ई रेस टू आई थ्री एक्स अपॉन माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बाय फाइव आई एक्स और यहाँ पे माइनस थर्टीन बाय फिफ्टीन इंटू टू, राइट। तो अब हमें क्या करने का है, सिंपली इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब ये ई रेस टू आई थ्री एक्स को हमें फिर से कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये फॉर्मूला लिखने का है, तो कॉस थ्री एक्स प्लस आई साइन थ्री एक्स और ये माइनस टेन कॉन्स्टेंट है तो वो इधर और ये हम ब्रैकेट में माइनस ट्वेंटी सिक्स बाय फिफ्टी और ये थ्री बाय फाइव आई एक्स, राइट। तो हमें सिंपली क्या करने गए, माइनस वन बाय टेन, अब
हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था, ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। तो ये आई के साथ जो टर्म होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है ई रेस टू आई थीटा का, राइट। तो अभी ये सेम प्रॉपर्टी हम इधर अप्लाई करेंगे, तो हमें बोला है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पूरा टर्म, तो हमें वही टर्म कंसिडर करना है जिसमें ये आई का टर्म हो, राइट। तो माइनस 26/50 और ये 3/5 ix, राइट। तो हमें हमें सिंपली क्या करने का है, -1/10। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में किया था ई रेस टू आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। तो ये आई के साथ जो टर्म होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है ई रेस टू आई थीटा का, राइट। तो अभी ये सेम प्रॉपर्टी हम इधर अप्लाई करेंगे, तो हमें बोला है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ये पूरा टर्म, तो हमें वही टर्म कंसिडर करना है जिसमें ये आई का टर्म हो, राइट। तो हमें सिंपली ये मल्टीप्लीकेशन करते वक्त ध्यान में क्या रखने का है, हमें सिर्फ आई का टर्म लिखने का है, मतलब आई के साथ जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा उसे लिखने का है, राइट। तो यही हमारा पर्टिकुलर होगा फाइनल आंसर। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ऐड करने गए, तो वो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, राइट।